अच्छा जी, तो एरे के बाद आते हैं एसोसिएटिव एरे की तरफ। एसोसिएटिव एरे की तरफ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हैं। कहाँ पे सेव करेंगे? लोकल होस्ट में, एस टी डॉक्स में, AWS में, एंड डॉट PHP। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर PHP टैग ले लें, सेम जिस तरह हमने एरेज में किया था। और एरेज, अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू होगा एंड उसका की, ठीक है, वैल्यू एंड उस वैल्यू की होगी हमारे पास। तो मैं रिकॉर्ड लेता हूँ, वेरिएबल रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड के बाद एरे बनाते हैं। नॉर्मली हम इस तरह करते हैं, अली अहमद जिस एरे का नाम है एसोसिएटिव एरे। ये तो रिकॉर्ड वेरिएबल है, ये कौन सा? रिकॉर्ड वेरिएबल हो गया, और इस एरे का नाम बाहर लिख सकते हैं ना कि ठीक है, नॉर्मली हम इस तरह एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अली अहमद वली लेट से, और यहाँ पर मैं इको आउट करता हूँ, इसको रिकॉर्ड में कॉल करता हूँ, और इसको मैं लेट सपोज 1 कॉल करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश AWS.PHP आ जाएगा, इस तरह अहमद कॉल हमारे पास कॉल आ गई है। अब अगर हम अगर हम इसको एसोसिएटिव एरे क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, इस जगह पे हमारे पास एक वैल्यू होगा, वैल्यू, ठीक है, लेट्स से वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ समी, राइट। यहाँ पर इसको हम असाइन कर देंगे इसकी वैल्यू, ये अब इसकी की है, यहाँ पर की होगा, वहां में क्या था? वैल्यू, एंड यहाँ पर की। तो सेमी की एज जो है, लेट से 23, 23 हमारे पास सेमीउल्लाह की एज आ जाएगी, लेट से कॉमा, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा एजुकेशन। ठीक है, तो सेमी की जो एजुकेशन है वो क्या होगी हमारे पास? BS कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं कॉल करता हूँ सेमी को कॉल करूँगा, रिफ्रेश, तो मेरे पास यहाँ पे 23, सेमी की जो एज है 23 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा कि योर एज इज, योर एज इज 23, तो इस तरीके से हम वैल्यूज को, उसकी की को फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि योर एजुकेशन इज, या योर क्वालिफिकेशन इज, और यहाँ पर मैं एजुकेशन को कॉल करता हूँ। ठीक है, तो योर एज इज 23 एंड योर एजुकेशन इज BScS, इसको हम यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देते हैं, BR, तो लाइन हमारे पास ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से हम एसोसिएटिव एरे को बनाते हैं। एनी क्वेश्चन? शेरिका, आप समझ नहीं आई? इस जगह पे देखिए, ये जो है ना, ये हमारे पास है वैल्यू, वो तो पता है ना आपको, इस वैल्यू को हमने असाइन कर दी है की। ठीक है, मतलब के इस वैल्यू को हमने 23 असाइन कर दिया। तो हाँ ना, एसोसिएटिव एरे है ना। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन और उसकी ये, इस तरीके से हम एसोसिएटिव एरे को क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ रही है? यस।
सुबिनेशन लगना स्टार्ट ओके राजा सुबिनेशन यासीन सदा समीची पेन उनका ब्रिगेड का पेन का